गोपालगंज में बुलोड़ो में लदी शराब लूटी, तस्करी करके ले जा रहा था शराब, बाइक से टकराई तो गाड़ी छोड़कर ड्राइवर भागा, 8 हिरासत में। गया में फिर 5.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, नवादा और गया में शीतलहर का अलर्ट, पूर्णिया में 600 मीटर विजिबिलिटी नहीं। मुजफ्फरपुर में 4 दशकों से परेशानी झेल रहे उद्यमी, जल जमाव में उद्यमियों के उत्पाद ही नहीं अरमान भी डूबते हैं, हर साल 50 करोड़ की होती क्षति। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर 27 दिसंबर से होगा चुनाव, प्रखंड प्रमुख, उप मुखिया और उप सरपंच पद के लिए 24 से 31 दिसंबर तक होगा चुनाव। तेजस्वी ने सीएम की चुटकुली, जेडीयू का पलटवार, नेता प्रतिपक्ष बोले प्रशासनिक अराजकता सिस्टम ध्वस्त, जेडीयू का जवाब, इसलिए आपको मुख्यमंत्री पद से विदा किया। मुंगेर सदर अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड से लूटपाट, चाइल्ड वार्ड में घुसे थे 2 बदमाश, गार्ड ने विरोध किया तो मारपीट कर कैश लूट लिए। मरीज के पेट से निकली 15 किलो की स्प्लीन, मरीज की ऑपरेशन में हो सकती थी मौत, 4 घंटे में डॉक्टरों ने दी नई जिंदगी। मुजफ्फरपुर में आज से शुरू होगा खेल प्रतियोगिता, 4110 खिलाड़ी लेंगे भाग, पहले दिन कबड्डी, खो खो, रग्बी, कराटे, हॉकी व ताइक्वांडो का होगा मैच। 9 बजे से पहले नहीं खुलेंगे स्कूल, बढ़ती ठंड के कारण स्कूलों के समय सीमा में फेरबदल, दोपहर 3:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधि पर पाबंदी। औरंगाबाद में ट्रक ड्राइवर से 52,000 लूटा, सामान की डिलीवरी देकर वापस एमपी लौट रहा था, रास्ते में बदमाशों ने ओवरटेक कर रोका और लूटपाट की। सीतामढ़ी में फिर दिखी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, अब मृत महिला को कोरोना टीका लगने का मैसेज आया, जीवित में लिया था पहला डोज। खगड़िया सदर अस्पताल के आरटीपीसीआर लैब से लैपटॉप चोरी, 95,000 टेस्ट रिपोर्ट सेफ था सिस्टम में, डाटा एंट्री ऑपरेटर संदेह के घेरे में। अब नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाया जाएगा आयुर्वेद और योग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने तैयार किया पाठ्यक्रम का ड्राफ्ट। सुबह टहलने निकली महिला को ट्रक ने मारी टक्कर, शेखपुरा में सड़क हादसे में गंभीर रूप से महिला जख्मी, पावरपुरी रेफर। कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन 21 जनवरी तक, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए 5 सीटें, एडमिशन के लिए देना होगा एग्जाम।